अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज की ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। मित्रों, हमने पिछली वीडियो में वृषभ राशि के सरकारी नौकरी के विषय में बात किया था। यहाँ पर भी हम सरकारी नौकरी के विषय में एक चार्ट देख रहे हैं। ये चार्ट हमें फेसबुक के माध्यम से, हमें जो है हमारे फेसबुक के पेज में जो लोग फॉलो कर रहे हैं उसी के माध्यम से हमने ये चार्ट रैंडमली उठाया है। इन्होंने वहाँ पर भी कमेंट किया था, इंस्टाग्राम पर भी कमेंट किया था और हमारे जो यूट्यूब कमेंट सेक्शन है उसमें भी इन्होंने अपनी डिटेलिंग भेजी थी। तो जो व्यक्ति सभी जगहों से मुझे इस चीज़ के लिए प्रेरित कर रहा है कि हम उनका चार्ट डिस्कस करें, तो यहाँ पर हम उनका चार्ट रेंडमली उठा रहे हैं। तो यहाँ पर उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30 मई 1998 है, यानी 13 मई 1998। और यहाँ पर जो टाइम ऑफ बर्थ है वो 5:45 AM यानी सुबह का बर्थ है इनका, और प्लेस है वो जयपुर, राजस्थान का है। तो यहाँ पर इनका जो है जो नाम है वो अविनाश नाम है इनका। तो अविनाश जी का ये जन्म कुंडली है और यहाँ पर जो उनका राशि है वो वृष राशि है। तो वृष राशि के ये व्यक्ति हैं तो इनके अंदर धैर्य, पेशेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इन्होंने काफ़ी समय से मुझसे ये सवाल पूछा था और मैं आज इनका ये चार्ट लेने जा रहा हूँ, क्योंकि 2022 में इनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। इनकी जॉब, इनकी प्राइवेट जॉब इनकी थोड़ी सी लगी हुई थी, अभी रिसेंटली उन्होंने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जॉब इन्होंने छोड़ा क्यों और फिर इसके बाद इनको गवर्नमेंट जॉब क्या मिलते हुए नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लें कि हमारे जो प्लैनेट है, हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर हमें वीनस को सबसे ज़्यादा देखना है, महत्वपूर्ण प्लैनेट है वो इस बर्थ चार्ट के लिए। उसके बाद हमें मरकरी की स्थिति भी जरूर देखनी है, यूरेनस की स्थिति देखनी है और यहाँ पर हमें सन और मून गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें ध्यान देना है। तो इन सभी प्लेनेट को देखने के बाद हमारा जो यहाँ पर आता है एक सैटर्न, उसे भी हमें ज़रूर ध्यान देना है कि सैटर्न की स्थिति कैसी है। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि भाई इनके जो हम यहाँ पर आज नाड़ी सिस्टम से इसमें देखेंगे और इन्होंने अपना जो प्रयास है वो SBI जैसे बैंक में इन्होंने ट्राई करना शुरू किया है। तो यहाँ पर वो उसकी तैयारी कर रहे हैं और इनको 2022 में क्या SBI जैसे बैंक में इनको पोजीशन मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, इसको भी हम इस में बड़ी ही आसानी से देखेंगे। यदि आप भी अपने बर्थ चार्ट में देखना चाहें तो आप अपने बर्थ चार्ट को निकाल करके इन ग्रहों की पोजीशन को देख लीजिए और उसके बाद तो नाड़ी सिस्टम का जो रूल होता है यानी DBA दशा, भुक्ति और अंतर, तो यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट बना रखी है उसके अनुसार आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मरकरी की इनकी दशा चल रही है वर्तमान समय में और मरकरी इनका 2, 5, 12 और 4, 12 और 8, 10, 11 ये जैसे हाउसेस के इनके रिजल्ट दे रहा है, यानी यहाँ पर आपका जो 5, 12, 12 और 8 इसका जो एक 5, 8, 12 का जो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि यदि आप 5, 8, 12 कि जैसे हाउसेस को जो है फेस करते हैं तो यहाँ पर आपके अंदर एक जॉब लॉस का यहाँ पर एक इंडिकेशन दिखाई देता है। तो इस स्थिति में आप अगर आप आए हैं तो यहाँ पर इनकी जो नौकरी छूटी है उसका कारण यहाँ पर यही बनता है। इसके अलावा अब क्या इनको सरकारी जॉब मिल जाएगी कि नहीं, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जॉब का जो इनका 10th हाउस का रिजल्ट है वो यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके साथ गेन का रिजल्ट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यानी इनको जॉब जो है वो दूसरी बड़ी आसानी से मिल जानी चाहिए, लेकिन प्रयास इनको ज़रूर करना चाहिए और अथक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2nd और 4th का भी नंबर यहाँ पर दिख रहा है, तो इनको प्रयास इनको ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर अब भुक्ति की बात कर लें तो यहाँ पर 8, 10, 11 जैसे नंबर्स यहाँ पर ज़रूर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हम अंतरा की बात करें तो यहाँ पर 1, 6, 11 और 9, 10, 11 और 4, 7, 12 ये जैसे नंबर आ रहे हैं। मैं एक बात यहाँ और बता दूं कि ये जो अंतरा है ये इनका 2022 में आएगा और यहाँ पर अगर वर्तमान समय में देखेंगे तो केतु का अंतर आएगा। तो यहाँ पर हम चूंकि सवाल इनका 2022 के लिए था तो इसलिए हमने 2022 का ही समय, जो उस समय प्लेनेट आएगा उसको ही हमने यहाँ पर लिया है और स्क्रिप्ट भी उसी की बनाई है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर दशा में मरकरी यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और मरकरी हमारे इस स्क्रिप्ट में भी यहाँ पर शामिल है। उसके अलावा जुपिटर चूँकि जो है हमारे 11th हाउस में बैठा हुआ है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अपना यहाँ पर ज़रूर प्ले करते हुए दिखाई देगा।
इसके बाद वीनस की बात कर लें तो वीनस भी यहाँ पर अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे क्योंकि ये लगन लॉर्ड हैं, तो यहाँ पर वीनस की भी पोजीशन यहाँ पर दिखाई देती है। तो हमने पिछली वीडियो में भी इन प्लैनेट्स की बात की थी और यहाँ पर भी मैं इस तरह से स्क्रिप्ट जो बना रहा हूँ नाड़ी सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर उसमें भी इन प्लैनेट्स का रोल यहाँ पर आपको ज़रूर दिखाई दे रहा है। इसके साथ हमने सन की बात की थी, अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सन का इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है आपकी अपनी जन्म कुंडली में। तो यहाँ पर लगन में ही बैठे हुए हैं सूर्यदेव, तो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति हो जाती है। मून की पोजीशन की बात करें तो थर्ड हाउस में ही बैठे हैं, मून की पोजीशन और अपने ही राशिमल यानी कर्क राशि पर बैठे हैं। तो ये जो लगन है वो वृषभ लगन है और राशि जो है वो कर्क राशि है, तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लगन वालों के लिए। तो ये जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि इनको 2022 में जो जॉब है गवर्नमेंट जॉब वो लगते हुए बिल्कुल दिखाई दे रही है। यहाँ पर इनको जो गवर्नमेंट जॉब है वो आसानी से प्राप्त हो जाएगी और ये प्रयास भी SBI जैसी बैंक में कर रहे हैं जहाँ वैकेंसी भी अच्छी निकलने वाली है। तो यहाँ पर इनको ये स्थिति बड़ी ही आसानी से पार होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं कह दूँ कि चूँकि यहाँ पर इनको जो लगन है वो इनको लेज़ीपना भी देता है, तो इसलिए अपने लेज़ीपना को ज़रूर छोड़ेंगे, अपने लेज़ीनेस को इनको त्यागना पड़ेगा, अपने एक्टिवनेस को इन्हें बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर इनको जो पद है वो ज़्यादा अच्छा मिलेगा। बाकी आप जो है जैसा प्रयास करेंगे आप उसी प्रयास के अनुसार आपको रिजल्ट भी मिलता हुआ दिखाई देगा। यदि आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे मिलेगा अच्छा? तो इसलिए अच्छा रिजल्ट चाहिए तो प्रयास भी आपको भरपूर करना पड़ेगा। फिजिकल वर्क ये आपको ज़रूरी है क्योंकि आप हार्ड वर्कर हैं, तो इसलिए हार्ड वर्क अपना ज़रूर करें, फिजिकल भी और मेंटल भी, तो दोनों ही अपना बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर जो आपकी जॉब का साइन है यहाँ पर भी आपका लिब्रा साइन आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपको बैलेंस ज़रूर बना करके रखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए और यहाँ पर आपको खुश हो जाना चाहिए क्योंकि आपको जो गवर्नमेंट जॉब है वो मिलते हुए नज़र जरूर आएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा और यदि आप इसके अलावा आपके कोई और सवाल हैं तो आप सब पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से, और हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं आप। तो आज के कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।